गाइस, तुम्हारे दिमाग में जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा या माउंटेन ड्यू, ये सारे ब्रांड्स कोका-कोला और पेप्सी के ही है। मगर अब हो सकता है कि तुम्हें 50 साल पुराना इंडियन ब्रांड कैंपा कोला मार्केट में दिखे। गाइस, 1970s में कैंपा कोला इंडिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक था, मगर उसके 20 साल बाद कोका-कोला और पेप्सी इंडिया में वापस आ गए थे, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कैंपा को खत्म करने में। मगर अब रिलायंस ने कैंपा को 22 करोड़ में खरीद लिया है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन और बैंक बैलेंस कितना बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें हर घर में कोक की जगह कैंपा दिखे।